अपने ऑफिस पहुंचे सपा स्टार प्रचारक शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा, बहुत ही शिकायतें मिली हैं और हमने यही मांग रखी है कि पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो। मतगणना स्थल को लेकर जिला अधिकारी से की मुलाकात। जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे जिला अधिकारी हो या एसपी, सभी का दायित्व तो होता है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं। लोगों को धमकाने का शिवपाल ने लगाया आरोप। शिवपाल ने प्रशासन से कहा, हमारी मदद करें, हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। जिला मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। जिला अधिकारी से मिलना बहुत हम लोगों को जरूरी हो गया था। पूरी तरह से बहुत सी शिकायतें भी थी, तो हम लोगों ने तो यही मांग रखी है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, और जिम्मेदारी भी होती है जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन के अधिकारी भी मुखारो होते हैं, डीएम जिलाधिकारी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। देखिए, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के मोहल्ले में जा करके, घर घर जा करके धमकाया जा रहा है, और कुछ ऐसे हैं वो तभी से वोट भी मांगने लगे भारतीय जनता पार्टी, और धमकाते भी हैं, पकड़ भी लाते हैं दबाव बनाने पर। जब यहाँ के हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जाते हैं, ये सब तरीके से टेरर फैलाया जा रहा है, जैसे बहुत कंपनियां अल्पसंख्यकों, तो इस तरह के देखिए निष्पक्ष चुनाव कराने की हमने इसलिए मांग करी है, और इस तरीके से गड़बड़ियां होंगी बिल्कुल। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग ये काम कर रहे हैं, कहीं बिजली के तार काटे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी काटा जा रहा है, पानी रोका जा रहा है, इस तरीके के काम अब इलेक्शन के 5 दिन रहे हैं, तो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। धमकियां मिल रही है मोहल्लों में जा करके। आपके मऊ आने का यही मुख्य कारण था? बिल्कुल, हमारा देखे स्टार प्रचारक भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो हमारे कार्यक्रम भी लगे हैं और कई भी हैं क्षेत्र में, लगातार डेरा डाले हुए क्या और लगातार रहेंगे। देखे, पूरी तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर के पक्ष में है, पूरी तरह से। क्या आश्वासन मिला सर? आश्वासन ठीक ही मिला, आश्वासन मिला है और करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो हमारा पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत है, ऐसा थोड़े है। हमारा समाजवादी पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत। ऐसी सूचना मिली थी कि वो जो मतगणना केंद्र है वो बदला गया है, इसमें भी आपको आपत्ति थी, और इसलिए आपने आपको आपत्ति? अभी तक तो देखिए घोषित ही रहा है, जो भी इलेक्शन हुआ है अभी तक घोषित ही रहा है। देखिए, आप वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष का आश्वासन दिया है, पूरी तरह से निष्पक्ष का अब वो तो विचार कर रहे हैं, जो भी है विचार कर रहे हैं।